Hello students, let us discuss question number 6 for exercise 10.2. Now in this question, the length of a tangent from a point A at distance 5 cm from a center of a circle is 4 cm. And we have to find the radius of the circle. So given information ko hum figure ke andar samjhte hain. So ek hamare paas circle hai aur circle ke upar hamare paas ek yahan pe tangent hai jiska circle ke sath contact point hamare paas B hai. So कंटेक्ट पॉइंट से ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है टेंजेंट का उसका डिस्टेंस हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है और सेंटर ऑफ सर्कल से टेंजेंट का जो दूसरा पॉइंट है उसको डिस्टेंस हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है और हमें रेडियस फाइंड करना है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे लेट अस डिस्कस दिस फर्स्ट. ऑब्वियसली अब हमें पता है कि कभी भी रेडियस सर्कल के रेडियस को हम अगर हम कंटेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट से मिलाएंगे देन इट विल ऑलवेज मेक अ 90 डिग्री एंगल. तो अगर हम इस ट्राइंगल ए बी ओ को ध्यान से देखेंगे इट मेक्स अवर राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. लेट अस कंसिडर अ सर्कल सेंटर्ड एट पॉइंट ओ. ए बी इज द टेंजेंट ड्रॉन एट द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए एंड नाउ इट इज गिवन दैट OA is equal to 5 cm, AB is equal to 4 cm and अगर हम इस ट्राइंगल ABO को समझें so we can conclude that OB is perpendicular to AB because a radius is always perpendicular to tangent at the point of contact. We know this. So we will apply the Pythagoras theorem in this triangle and find out the value of B as 3. Hence the radius of circle is 3 cm.